रिडक्शन फॉर्मूला, जिसमें हम क्वेश्चन इनडेफिनेट के एंड डेफिनेट के दोनों की करेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ टेन फोर एक्स एंड देन थर्ड पार्ट आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एन एक्स का आंसर इन टर्म्स ऑफ लोअर ऑर्डर आई एन माइनस वन आई एन माइनस टू के टर्म्स में आंसर निकाल। गॉट इट? करो ये। यस, सोचा कुछ? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट? अभी तक फर्स्ट सेकंड तो हो गया या नहीं हुआ? अभी हो गया सर। थर्ड पार्ट 30 सेकंड्स और देते हैं सब बच्चों को थोड़ा सोचने के लिए कि आई एन का आंसर आई एन माइनस टू बी पार्ट से हेल्प तो मिल ही जानी चाहिए। चलें। हाँ सर। चल, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर सबको पता है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक्स स्क्वायर का टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। पार्ट बी टेन फोर का कैसे करेंगे एवरीवन? एक्स
टेन स्क्वायर एक्स में डिवाइड करूं। बिल्कुल सही, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और एक टेन स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर माइनस वन कर दूं। यस सर। फिर टेन स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आया ना। यस सर। मतलब देखो टेन फोर किस में कन्वर्ट हो गया, टेन स्क्वायर में। ये वाला तो सब किससे होगा, बाय पार्ट या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन। टेन एक्स को टी रखा तो ये टी स्क्वायर टी हो गया, दैट इज टी क्यूब बाय थ्री। डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ओके, इसका आंसर तो आ ही जाएगा, क्या है टेन एक्स, ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट का आंसर देख लो। एवरीवन ओके? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, इसका आंसर इसके टर्म्स में आया है एक तरीके से। ये मैं अगर इसको आई फोर बोलूँ तो कैन आई से आई फोर इज टेन क्यूब बाई थ्री माइनस आई टू? जल्दी से एग्री करो। यस सर। कम ऑन, यही तो है, देख लो। आई फोर कौन है? टेन फोर। आई टू कौन है? टेन स्क्वायर। ये रहा टेन स्क्वायर, इसी का है। यस सर। नो, ये रिलेशन इस, ये रिलेशन भी रिडक्शन फॉर्मूला ही कहलाता है। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन जो भी nth ऑर्डर का है उसका रिलेशन निकालना लोअर ऑर्डर के साथ, तो ये होगा या फिर ये होगा। क्लियर? यस सर। योर बी पार्ट तो तुम्हारी हेल्प के लिए थे, क्वेश्चन तो सिर्फ सी पार्ट था। सी पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ tan nx dx। सो टेन को जैसे ऊपर किया वैसे ही करना है। क्या करेंगे एवरीवन? एन माइनस टू इंटू टेन स्क्वायर एक्स, जिसको लिखूंगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। साउंड्स गुड एवरीवन? यस यस सर। फिर ओपन मल्टीप्लाई करूंगा टेन एन माइनस टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आई एन है। इसका आंसर सब्स्टिट्यूशन, राइट? यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन माइनस टू डी टी माइनस, इसको क्या लिखूंगा एवरीवन? आई एन माइनस टू। मुझे आंसर नहीं निकालना है, बस रिलेशन निकालना है। क्लियर? यस सर। सो आई एन कितना आ गया, ये टी एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। टी एन माइनस वन मतलब टेन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स माइनस ऑफ आई एन माइनस टू। दिस इज द रिडक्शन रिलेशन। कम ऑन, अगर फोर रखूंगा एन को तो यही तो आ जाएगा, जल्दी से देखो, है ना? यस सर। देखो ये रिलेशन आ गया तो तुम किसी का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। मान लो तुम्हें टेन सिक्स का निकालना है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, दिस विल हेल्प यू इन दैट। कम ऑन, आई सिक्स क्या हो जाएगा मेरे साथ देखना, टेन फाइव बाई फाइव माइनस वॉट, आई फोर। यस सर। आई फोर में वापस क्या लगा दूंगा, वापस रिलेशन टेन क्यूब बाई थ्री माइनस आई टू। आर यू विथ मी? यस सर। आई टू में वापस रिलेशन लगा दूंगा, कितना हो जाएगा, टेन वन बाय वन माइनस आई जीरो, दैट इज वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स। कम ऑन, वही आंसर आ रहा है। देखो कितना स्मूथली आता है रिडक्शन से कभी कभार, जो बार बार करने पड़ते हैं उन सारी चीजों के। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ रिडक्शन। तो क्वेश्चन ज्यादातर एक्चुअली रिडक्शन रिलेशन के होते हैं, ये बस इतना निकालने का, उसके बाद के नहीं होते। कॉपी कर लो यहाँ तक। So what is the strategy to find reduction relation? In लिखो, उसको split करो। जैसे इस question में split किया ना हमने n minus 2 into 10 square everyone। Yes sir। तो हमेशा ऐसा ही split करना पड़ेगा क्या? n minus 2 type का n minus 1 भी हो सकता है। What do you think? हो सकता है, okay? Clear? तो ऐसे ही कोई split करके, कभी हो सकता है 1 का use हो, इसी type का split करके usually substitution या फिर by parts लगता है। Am I clear enough? Yes, sir. तो substitution या by parts लगाने के बाद तुम्हारा reduction relation आ जाएगा। चलो ये question try करो।
जैसे इसमें स्प्लिट कैसे करेंगे n माइनस टू sec स्क्वायर ही हमें पसंद है ना एज कम्पेयर टू sec एवरीवन यस सर यस सर उतना करने के बाद जज करो कि सब्स्टिट्यूशन बेटर रहेगा या फिर बाय पार्ट्स जज करो अच्छा मैं म्यूट था एवरीवन सबको हिट हुआ बाय पार्ट्स लगाना चाहिए यस सर टैक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पसंद भी है 10 तो बाय पार्ट्स लगाइए अब तो हो गया भाई यस सर चलो नहीं हुआ तो मेरे साथ देखो बाय पार्ट लगा रहा हूँ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और इसका डिफरेंशिएशन n माइनस टू sec ऑफ n माइनस थ्री एक्स इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec tan x सही है एवरीवन यस सर Yes. अब कीप दैट इन माइंड कि तुम्हें आंसर नहीं निकालना है तुम्हें रिलेशन निकालना है मतलब तुम तो sec की पावर में कन्वर्ट करना पसंद करोगे एग्री करो यस सर तो tan स्क्वायर को क्या लिख दूंगा एवरीवन sec स्क्वायर x माइनस 1 बिल्कुल सही ये sec की पावर n माइनस 2 हुई और tan स्क्वायर को लिख दूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1 सबको क्लियर हुआ यस सो दिस माइनस ऑफ n माइनस 2 अब स्प्लिट करूंगा बच्चों तो sec n माइनस टू इंटू sec स्क्वायर कितना हो गया sec की पावर n माइनस sec की पावर n माइनस टू साउंड्स गुड हाँ भाई n माइनस टू i n
plus n minus 2 i n minus 2, इसको इधर ले आएंगे, 1 plus n minus 2, that is n minus 1 i n is equals to n minus 2 i of n minus 2 plus this relation, ये आंसर है. किसी का आया था? Yes sir. Yes everyone, are you clear बच्चों? Yes sir. तो ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ऐसा मत सोचो कि why it is useful for question जिसमें power ज़्यादा हो ये सब हो. कॉपी हो गया तो लेट मी नो. ओके डन सर. डायरेक्टली डिवाइड डिवाइड मत कर देना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो तो रिलेशन निकलेगा कि बाय द वे ऐसा रिडक्शन निकल गया 2 इनटू आई ऑफ एन माइनस 2, तब तुम्हारा आंसर 2 होगा. थोड़ा सोचो और करो, मैं तो प्रेफर करूंगा रिडक्शन की तरह ट्रीट करते हुए.
कैसे स्प्लिट किया साइन को? हाँ भाई साइन एन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर करा। चलो उससे फायदा हो रहा है साइन स्क्वायर से, अब आगे क्या करोगे सोचो। माइनस को स्क्वायर एक्स, वाइल मैं दूसरा भी ऑप्शन बताता हूँ, तुम फिर खुद जज करना और मुझे बताना। साइन स्क्वायर वन माइनस को स्क्वायर कर सकता हूँ बिल्कुल, उससे रिलेशन निकल रहा हो तो निकालो, दोनों फॉलो करो। एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स को भी फॉलो करो, सॉरी कॉस एक्स नहीं, कितना साइन एक्स, देखो कौन सा बेटर है, जज करो खुद ही। सर्वेश एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके इनफ टाइम, जज करा होगा बताओ, निशान करेक्ट अमन नॉट करेक्ट, कौन सा बेटर है भाई, पहला दूसरा? दूसरा करेक्ट, बाय पार्ट्स वाला, ये कौन माइनस कॉस स्क्वायर करके फिर कुछ नहीं होने वाला उसमें, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाते हैं यू वी, सो एन इज इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से पाई बाय टू, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन वाले का डिफरेंशिएशन एन माइनस वन इंटू साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सबको पता है कॉस स्क्वायर को क्या लिखने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, वन माइनस साइन स्क्वायर, तो आई एन इज इक्वल टू पाई बाय टू रखूंगा तो कॉस जीरो बना देगा, जीरो रखूंगा तो साइन जीरो बना देगा, जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू, ओपन कर रहा हूं बच्चों, पहला वाला टर्म कितना हो गया बोलो, आई ऑफ एन माइनस टू, एन माइनस टू माइनस दूसरा वाला कितना हो गया एवरीवन, आई एन, आई ऑफ एन, सो आई ऑफ एन ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन आई एन is n minus 1 i of n minus 2, और यहां से भी हिंट मिल ही रही थी ना कि n minus 2 में करो, सॉरी नहीं यहां से और कंफ्यूजन हो रहा था, करेक्ट है ना, इस तरीके से देखो, बट एनीवे तो ये हो गया n into in is equals to n minus 1 into i of n minus 2, so i of n upon i of n minus 2 is n minus 1 by n, याद रखना ये मैं अभी थोड़ी देर बाद यूज करूंगा ये रिलेशन, मतलब रटने की जरूरत नहीं है बट बस कुछ आगे एक वॉलीज फॉर्मूला पढ़ाऊंगा उसमें यूज करूंगा। आर वी डन, कॉपी करो जल्दी से अगर कर रहे हो तो।
Let me know when done. Done, sir. Okay. Find reduction formula. Sin nx dx. Oh, अब दो function आ गए upon sin x. तो इसको आप कैसे करना है reduction के लिए सोचो. Y part I don't think is good enough. क्योंकि वैसे ही दो function है, फिर तीसरा function one create करके तो कोई फायदा होगा नहीं. One by sin x cos x का integration करने से तो कोई फायदा होगा नहीं. तो Y part directly doesn't seem to be a good option. Think more. ओके अब तक मैं स्टार्टिंग हिंट बता रहा हूँ कैसे करना है. आई एन इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एनीबॉडी हाफ एंगल ना यार एन माइनस वन प्लस वन गॉट इट एवरीवन. फिर साइन ऑफ ए प्लस बी लगाओगे सुना सबने. यस सर करो अब निकालो जल्दी से. आई एन का आंसर आई ऑफ एन माइनस टू के टर्म्स में चाहिए मुझे. कमान
अच्छा भूल जाता हूँ, उधर लेके जाओ, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उधर लेके जाओ, उधर लेके तो म्यूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, हो गया एवरीवन? ओके, नहीं हो रहा है, हो गया। चलो देखो इधर, आई एन को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो दूसरा वाला पार्ट तो देखो इजी है, साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन डिवाइड बाय व्हाट, एन माइनस वन। यस सर, सही लिखा है एवरीवन? यस सर, यस। और पहले का इंटीग्रेशन कैसे करें आप बताओ, क्या करें? बाय पार्ट्स। अरे नहीं, सिंपल टू साइन ए कॉस भी लगाओ, क्यों एन एक्स बनाना है एक तरीके से वापस, क्योंकि उसके टर्म्स में या एन माइनस टू बनाना है, यूं सोचो। तो देखना मेरे साथ, टू साइन एक्स, टू साइन ए कॉस भी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साउंड्स गुड ना? यस सर। प्लस साइन ए माइनस बी, ताकि देखो दोनों ही हमारे डिजायरेबल है, कम ऑन। सो आंसर क्या है, देखिए आई एन इज इक्वल टू, स्प्लिट करूंगा तो ये 1/2 आई एन है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। ये क्या है, 1/2 a ऑफ n माइनस 2, बस हो गया एवरीवन। ओके इधर ले आना, सो आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स साइन n माइनस 1 x डिवाइडेड बाय n माइनस 1। एनी डाउट एनीबडी? आई होप हो गया है। ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन, रिडक्शन का वापस काफी हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई करते रहोगे। ये होमवर्क क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर लूं। कैन आई मूव एवरीवन? डन? Yes. Okay. Next heading, Wally's formula. Wally's formula. तो Wally's formula में दो formula हम कर रहे हैं। पहला formula देखो, दोनों formula एक साथ लिख लो, या चलो ये पहला formula आराम से देखो। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर एम एक्स डी एक्स। जल्दी से पहले तो एग्री करो कि दिस विल बी सेम एज दिस, कैसे बाय व्हाट? एरिया अंडर द ग्राफ? नहीं मतलब एरिया तो हाँ मतलब बोल सकते हो, बट बेटर बेटर क्या, किंग्स ना एवरीवन? हाँ सर। हाँ ओके, अब देखो ये क्या है, अगर मैं इसको आई एम बोलू, तो देखना अभी कुछ क्वेश्चन किया है,
यही तो था, कम ऑन एग्री करो। आया ना बच्चों? यस। मतलब समझ गए जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ उसमें मैं इसी रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करूंगा, गॉट इट? यस सर। आई एन, सो इसका प्रूफ वही है, अभी लिख रहा हूं मैं, देख लो प्रूफ, प्रीवियस क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूला क्या आया था, आई एन अप आई एन माइनस टू इज एन माइनस वन बाय एन, वेरीफाई करना यही था क्या एवरीवन? यस सर। सो दिस इनटू लेट्स से आई एन माइनस टू, सो अब देखो यूज कर रहा हूं मैं, आई एम इज इक्वल टू एम माइनस वन बाय एम इनटू आई एम माइनस टू, वापस फर्दर ब्रेक करता रहूंगा, देखना क्या पैटर्न बन रहा है, एम माइनस वन बाय एम, आई एम माइनस टू में वापस रिडक्शन लगा रहा हूँ, हर जगह एम को किससे रिप्लेस करके, एम माइनस टू माइनस टू, तो एम माइनस टू एम माइनस वन कितना हो जाएगा, एम माइनस थ्री, नीचे कितना आ जाएगा, एम माइनस थ्री, एम माइनस वन एम माइनस थ्री एम इंटू एम माइनस टू इंटू आई ऑफ एम माइनस फोर, वापस कितना हो गया, एम माइनस फाइव माइनस इंटू आई ऑफ एम माइनस सिक्स, तो क्या तुम्हें पैटर्न दिख रहा है, देखो आई एम का आंसर स्टार्ट होता है एम से और दो दो का रिडक्शन होता है, कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस सर। ऊपर भी देखो एम माइनस वन से स्टार्ट होता है और दो दो का रिडक्शन होता है, टिल ये वाला टर्म रिड्यूस होता रहेगा जब तक मान लो आई टू पहुंच गया, आई टू पहुंच गया तो वापस रिडक्शन करोगे क्या, किसमें आ जाएगा, आई जीरो में आ जाएगा, एग्री करो? आया ना? यस सर। जीरो से पाई बाय टू साइन रेस्ट पर जीरो एक्स डीएक्स हो जाएगा, दैट इज ये वन होता है, तो वन इंटू पाई बाय टू मतलब पाई बाय टू हो जाएगा लास्ट टर्म, कम ऑन एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस। बाय द वे ये ऑड है तो बाय द वे आई थ्री आता है, आई थ्री के बाद रिड्यूस करोगे तो आई वन में आ जाएगा, आया ना? यस सर। आई वन को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते तो वो इसके टर्म्स में आएगा, एग्री करो? कम ऑन। Yes, फाइव बाई टू का फैक्टर नहीं आएगा तब क्या आ जाएगा, वन, आया ना बच्चों? यस सर। क्या ना इवन ऑड पे आंसर फाइनल आंसर डिपेंड करेगा ना, कि इवन के केस में ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इवन में दो दो का रिडक्शन मतलब आई टू पे आई जीरो पे पहुंचोगे, एग्री करो ऑल ऑफ यू? लाइक इमेजिन कर लो ये आई सिक्स है तो आई फोर में कन्वर्ट होगा, फिर आई टू में कन्वर्ट होगा, फिर फाइनली आई जीरो में, बट अगर मैंने ऑड दिया है तो दो दो का रिडक्शन तो होगा बट देन वो आई वन पे स्टॉप होगा, are all of you okay? Yes sir. So what is the final formula, kis sense mein yaad rakhna hai, dekhna ye m hai to niche do do ka reduction m into m minus 2 into m minus 4 dot 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 till you get 2 or 1, upar m minus 1 into m minus 3 and dot 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 till you get 2 into 1 into a factor k, and k ki value kaun bata raha hai, come on, anybody, even होगा तो कितना होगा, 5 by 2 equal to 2, odd होगा तो कितना होगा, 1, so this is the first Wallis form, copy करो, especially mobile देना, मार गाएगी, कॉपी हो गया, हाँ बाल को हो गया क्या, प्रूफ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू कॉपी द फॉर्मूला, आर यू डन विद दैट? यस सर। यस सर। प्रूफ पहले लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, प्रीवियस क्वेश्चन रिडक्शन, बस इतना लिख लो, आई होप हो गया, एक एग्जांपल कर लो, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साइन रेस पर थर्टीन एक्स डी एक्स, एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू
cos raised to power 10x dx दोनों का आंसर लिख लो, सिंपलीफाई नहीं मत करना, जस्ट राइट डाउन द आंसर. लिख लिया दोनों आंसर. जस्ट वेरीफाई कर लो सही लिखा है क्या. कैसे बोला था मैंने 13 है तो नीचे 13 से चालू करो, 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कहाँ पे रुकना है, 3 पे है 1 पे, 1 पे ऊपर 12 से स्टार्ट होगा, 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 0 भी करना है क्या? नो सर. नो, अब ये ऑड है तो क्या मल्टीप्लाई होगा एवरीवन? 1 1 10 है ये, 10 into 8 into 6 into 4 into 2 दैट्स इट, ऊपर 9 5 3 1 और ये इवन है तो एक और फैक्टर क्या मल्टीप्लाई होगा एवरीवन? 5/2 अब तो क्लियर है सबको? यस सर. ओके, तो वॉलिस फार्मूला जिसमें इंडिविजुअल साइन है इंडिविजुअल कॉस है. अब दूसरा वॉलिस फॉर्मूला सेम लिमिट 0 से पाई बाय 2 बट जिसमें साइन और कॉस दोनों है. ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं ना बच्चों जिसमें साइन और कॉस दोनों होते हैं एवरीवन. हां सर. बट वॉलिस फॉर्मूला में लिमिट हमेशा क्या रहती है एवरीवन? 0 से पाई बाय 2. इसको आई एम लिखें, आई एन लिखें या आई एम कॉमा एन लिखें? I am comma n. I hope इतना realize हो गया कि इसका भी proof जो भी बता रहा हूँ formula, उसका proof reduction formula ही होगा ना everyone? Yes sir. Yes. तो reduction से आ जाएगा, proof नहीं करा रहा इतना. But answer अब देखो क्या pattern? Come on. वैसा ही बिल्कुल pattern है. But only difference is दोनों हैं तो दोनों के sum से start करना पड़ेगा. M plus n और ऊपर किससे start करेंगे guess कर लो? M plus n minus one. हाँ नहीं वैसा नहीं होता है. यहाँ पे इंडिविजुअल का रिडक्शन m माइनस वन और एक और n माइनस वन का भी. गॉट इट? चलो नीचे बताओ पहले m प्लस n फिर कितने का रिडक्शन होगा? दो दो का. साउंड्स गुड ना? यस सर. कहाँ तक स्टॉप करेंगे? टू इंटू टू और वन. टू इंटू वन मत लिखना बच्चों, टू और वन क्योंकि समझ जाओगे जो भी पहुंच रहे हो ऊपर m माइनस वन m माइनस थ्री कहाँ तक पहुंचना है? टू और वन. फिर n माइनस वन का भी दो दो का रिडक्शन, टू और वन इंटू अ फैक्टर. ये वापस वही सेम प्रूफ है बच्चों, मैं सब प्रूफ नहीं कराया तो इसको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा k को, वहां के प्रूफ में समझ छुपा हुआ है. k पाई बाय टू होगा गेस कर लो कब? जब m और n दोनों के दोनों क्या हो? इवन. एल्स, एल्स मतलब क्या क्या हो सकता है? कि m इवन है बट n ऑड है, m odd है, n even है, या फिर दोनों के दोनों odd है. सुन लिया? Yes sir. तो तीनों केसेस में one. कॉपी कर लो जल्दी से.
sir. Hmm. Sir, even natural होना चाहिए. हाँ, ये सब natural powers के लिए. अच्छा. लिख लेना बच्चों. Otherwise, 2 into 1 इन सब का तो कोई फंडा ही नहीं होगा ना बच्चे. हाँ sir. फिर 2 और 1 पे कहाँ पहुँचेगा? तो वो सब natural numbers होने चाहिए. सिंप्लीफाई करने की कोई खास जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट फास्ट. ठीक है बच्चे सर्वेश, इतना लिखने में टाइम वेस्ट मत कर, बस वेरीफाई कर लेना अभी. कर रहे हैं आप डिस्कस? चलो आई होप कर लिया है. अब किसी में डाउट है तो बता देना फटाफट, वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब. इसमें डायरेक्ट वॉलीज लगेगा क्या सेकंड में? क्वींस नहीं, बिल्कुल सही, क्वींस लगेगा. सबको 0 से पाई प्लस एफ ऑफ 2 पाई माइनस, तो डबल हो जाएगा. वापस क्वींस लगाएंगे तो 0 से पाई इंटू एफ ऑफ पाई माइनस, सॉरी 0 से पाई/2 एफ ऑफ पाई माइनस, तो पाई माइनस में भी सेम हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो गया. और अब वॉलीज लग जाएगा. कोई डाउट किसी को? थर्ड वाले में पहले सबसे पहले क्या लगाए? किंग्स. क्वींस लगा दो. किंग्स लगाओगे तो फिर एक बार क्वींस लगाने पड़ेगा, क्वींस से दोनों काम हो जाएंगे शायद से. 0 से π/2 एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स. पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज सेम पावर, कॉस पाई माइनस इज माइनस, बट इवन पावर विल मेक इट सेम पावर.
सॉरी तो ये क्या हो गया x प्लस पाई माइनस x x x कैंसिल हो गया, पाई 12 आ गया और अब वॉल्यूज लगा दिया। कोई डाउट? नो सर। कैन आई मूव? यस सर। ओके do it Can I discuss? Should I wait? चल डिस्कस करते हैं। आई थिंक इनफ टाइम। ओके डायरेक्टली जब ही रहा है तो फर्स्ट स्टेप में एक्स को क्या रख दूंगा एवरीवन में? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो dx is 2 sin cos theta d theta, integration 0 से 1 pi by 2 हो गया, sin 6, 1 minus sin square is cos square, cos 10 हो गया, dx is 2 sin theta cos theta d theta, अब तो लगा दोगे वॉल्यूज? Yes sir. Next question, 2 सेकंड में वापस दिखा देता हूँ, पहले कॉपी कर रहा हूँ तो sorry
okay pi by root 2 चलो फर्स्ट स्टेप क्या करूं बताओ भाई करेक्ट ना रूट टू साइन स्क्वायर थीटा सर टू साइन स्क्वायर करेक्ट सो डीएक्स इज फोर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा उसी टाइप का क्वेश्चन है वैसे जीरो से पाई बाई टू एक्स थ्री बाई टू तो टू की बात थ्री बाई टू अलग साइन क्यूब हो गया यहाँ पे डाला अंडर रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया दैट इज रूट टू एक और बार आ गया cos थीटा मॉड में है तो प्लस आएगा dx इज 4 sin थीटा cos थीटा d थीटा फिर तो लगा ही दोगे करेक्ट ओके एवरीवन यस सर ओके लास्ट टॉपिक ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन estimation inequalities of definite integrals थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है थोड़ा इनइक्वालिटी तो हमेशा टफ पड़ती है फिर बच्चों बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दैट्स गुड बट एनीवे डिस्कस कर लेते हैं आराम से छोटा ही डिस्कस करेंगे फर्स्ट हमें इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स पूछा है उसके बारे में कमेंट करने को बोला है कि भाई अगर वैल्यू नहीं बता सकते तो कम से कम ये बता दो कि 10 से छोटा है या 100 से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे अगर हमें पता लग गया कि f of x हमेशा g of x से छोटा है कम ऑन a टू b में तो ग्राफिकली सोचो इट रिप्रेजेंट एरिया अंडर कर्व f of x ऐसा है मान लो g of x ऐसा है हमेशा छोटा है ना f आया ना Yes, तो तुम्हें नहीं लगता एफ का एरिया हमेशा जी के एरिया से छोटा होगा एवरीवन कम ऑन यस बताओ इज दैट क्लियर एवरीवन यस सेम वे में अगर एच ऑफ एक्स से बड़ा है तो एच ऑफ एक्स से बड़ा है तो हमें एफ का एरिया निकालने को बोलेंगे और हमने अगर कोई ऐसे दो फंक्शन निकाल लिए जिससे छोटा होगा तो हमारा काम हो जाएगा लाइक लेट्स से अगर मैं पूछूं इंटीग्रल 0 टू 1 dx अपॉन 4 प्लस x क्यूब अब इसका इंटीग्रेट करना कोई आसान बात नहीं है x क्यूब है x स्क्वायर होता तो भी काम चल जाता एग्री करो यस सर तो मैं क्या सोचूंगा अच्छा x स्क्वायर होता काम चल जाता मतलब आई कैन कंपेयर 4 प्लस x स्क्वायर सॉरी 4 प्लस x क्यूब विद 4 प्लस x स्क्वायर एग्री करो और मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा फिर उसको एग्री करो ऑल ऑफ यू सेम वे में मैं 4 प्लस x से भी इंटीग्रेट कर पाऊंगा तो दोनों की हेल्प तो ले सकता हूं ना एवरीवन Yes, sir. So, 0 to 1 में कौन बड़ा होता है x x square x cube x जितना पावर बढ़ाते हो उतना छोटा होता है हाँ है ना yes, sir. So, this is less than this but this is further less than this so हमें तो एक ही काम का है चलो यही काम का ले लें एवरीवन हाँ भाई yes, sir. Just a second, एक मिनट आया कॉपी करो यहाँ तक हाँ भाई लेट्स कंटिन्यू एज आई वॉज डिस्कसिंग 4 प्लस एक्स क्यूब इज लेस देन 4 प्लस एक्स स्क्वायर
So 1 upon 4 plus x cube will be greater than 1 upon 4 plus x square. All of you agree? Yes, sir. So therefore, iska integral se bada hoga. Hai na? Yes, sir. अब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो मुझे कुछ आंसर तो पता लग ही जाएगा ना एवरीवन. ये क्या है 1 by a tan inverse x by a 0 to 1. So 1 by 2 tan inverse half. तो मुझे पता है कि मेरा इंटीग्रल इससे बड़ा है. अब तो क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट. यस सर. कंप्लीट करो एक बार. Done first point, everyone? Yes, sir. Okay, I'm changing the page. Second point. कभी कभार हम ये ऐसे function निकालना जरूरी नहीं है, function नहीं निकाल पाते, but कम से कम हम उस function integral a to b में comment करने के लिए function नहीं निकाल पाते, but उसकी minimum और maximum value निकाल सकते हैं. जैसे ऐसा कुछ graph है ए टू बी के बीच में, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए तो पूरा चैप्टर कर रखा है हमने. हाँ है ना? यस यस. तो लेट से हमने डिफरेंशिएशन करके या मोनोटोनिसिटी के फंडे यूज करके इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता कर ली, तो अभी भी कमेंट तो कर ही सकता हूँ ना कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज एम एंड स्मॉल एम. कम ऑन, एग्री करो? यस सर. तो अभी भी इनइक्वालिटी तो जनरेट हो गई ना एवरीवन? यस सर. और इसमें तो और फायदा है. क्यों? कौन बताएगा? ये तो बहुत ही ज्यादा इजियर है. क्यों? क्योंकि स्मॉल एन एम कैपिटल एम आर व्हाट? कांस्टेंट. वो तो एक झटके में इंटीग्रेट हो गया. क्लियर? अच्छा, तीसरा बहुत इजी है, तुम खुद ही बता दोगे. इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकाल लो और फिर मॉड लो, और a टू b mod f of x dx कौन बड़ा होगा? mod f of x dx. mod f of, ये तो सबको obvious होना चाहिए everyone. अरे individual mod लोगे तो सारे mod add होंगे ना, सारे area plus 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 होंगे. यहाँ तो plus minus plus खेलना है और फिर final figure सिर्फ plus देना है. आया ना? yes sir. चलो इन तीनों से काम चलाते हैं. copy करो, questions करते हैं. हाँ भाई, कैन आई गिव यू क्वेश्चन? हो गया कॉपी तो? यस सर. यस सर. क्या बोल रहा है ईशान? केस टू में क्या नहीं आएगा? क्या केस टू? क्या बोल रहा है ईशान? प्लस क्या नहीं आएगा? आई डिडंट गेट यू. केस टू में इक्वालिटी मतलब यहाँ पे बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या?
अरे वो नहीं आ सकता ना, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है ना, वो तो तभी होगी जब या तो वो कांस्टेंट फंक्शन है तब के लिए लिख ले, अदरवाइज हमेशा एरिया ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो सेम नहीं हो सकता एग्रीकल्चर, ये मैक्सिमम का एरिया ये वाला है एक्चुअल, ये रेक्टेंगल वो सेम होगा बस तब जब कॉन्स्टेंट होगा, तो लिख सकता है तेरे को, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बुक छापने के लिए लिख रहा हूँ, मैं तो हमारे समझने के लिए लिख रहा हूँ, तो यू नो दैट कि कॉन्स्टेंट के लिए पूछेंगे तो ये यूज क्यों करेगा तू। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू एज अ प्रूफ, प्रूविंग टाइप का, दे कैन आस्क यू इन ऑब्जेक्टिव वे और समवॉट वे। फर्स्ट वाला किससे कैसे होगा, दो फंक्शन सोच के या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सोच, व्हाट इज इजियर, मिनिमम मैक्सिमम इज फार मोर इजियर है एवरीवन, 5/4 में मिनिमम वैल्यू 5/4 पे, 5/2 पे मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट, बस सोच जल्दी से, sin x is always less than 1 and 1 by root 2, so sin x ki power 10 is 1 and 1 by root 2 ki power 10 that is 1 by 2 ki power 5, आई होप फर्स्ट हो गया, सेकंड करो, चलो, कैन आई डिस्कस बोथ क्वेश्चन, शुड आई वेट, ओके देन आई एम डिस्कसिंग,
ये हो गया पाई बाय फोर, ये हो गया 1 by 32 into pi by 4, which is 128. First clear? हाँ भाई? Yes sir. Then यहाँ sin x pi x है, मैं directly नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो मुझे पता था कि pi by 4 से pi by 2 के बीच में कैसा ग्राफ होता है, तो मैंने minimum maximum directly सोच ली. हाँ है ना everyone? Yes sir. अब इसका नहीं पता तो use AOD funda, differentiate करते हैं, पता करते हैं भाई क्या है, x square x cos x minus sin x. अभी भी पता नहीं लग रहा, याद है AOD तो मैं इसको एक और फंक्शन ले लेता था एवरीवन, याद आ गया? Yes sir. x cos x minus sin x g dash x, तो UV rule cos x sin x minus cos x से cos x गया, g dash x is minus x sin x. तो 0 से pi by 2 में जी डैश एक्स इज लेस देन जीरो, ऑल ऑफ यू एग्री करो? यस सर. मतलब जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग मतलब कम हो रही, तो जीरो पे वैल्यू सबसे बड़ी होगी. जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन जी ऑफ जीरो. आर विद मी? यस सर. जी ऑफ जीरो की वैल्यू बोलो. जीरो. जीरो मतलब दिस इज नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो. याद आया ये हमने एओडी में किया था मोनोटोनिसिटी में? यस. तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो मतलब एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग. आर यू विद मी? यस सर. और ऑल एक्स बिलोंग्स इज जीरो से पाई बाय टू में डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे होगी? पाई बाय जीरो. कम ऑन, यस और नो? डिक्रीज कर रहा है, ये समझाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए. जीरो पे, तो जीरो पे एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलेगी नहीं, लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगी वन. एग्री करो? यस. और पाई बाय टू पे वन अपॉन पाई बाय टू, सो ये एफ ऑफ एक्स हो गया वन से टू बाय पाई. अब मुझे इंटीग्रल चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा बच्चों. यस. Copy fast. Very good, Sarvesh. अच्छा कर रहा है बच्चे. Good. Keep it up, Sarvesh. And so Ishan. सही है, हम दो तीन बच्चे अच्छा कर रहे हैं. सही है, हम तो interact अच्छा करता है, but answer इतने देखे नहीं है. तो और increase करेगा तो मजा आएगा. Aman is also good enough. अब यही critical time है. अवनी बीजी से interact करती है, but answer नहीं देती है. अभी यही क्रिटिकल टाइम है जब थोड़ा सा रॉक कर सकते हो. हमने अभी तक स्टीयर करा, अब तुम्हें खुद को स्टीयर करना है. दैट इज अ डिफरेंस नाउ. गुड ईशान, कौन से ईयर में फिर वो याद है? अच्छी बात. अच्छा, अभी का ही बता रहा है, तो मेरे को याद भी. ओके, लास्ट क्वेश्चन फटाफट मुझे, मेरे साथ ही इंटरेक्ट करो, फिर होमवर्क दूंगा एक दो. चैप्टर इज डन बच्चों, सुन लिया सबने? यस सर. यस सर. अब नेक्स्ट वीक जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं 1A 1B 1C डिस्कस करूंगा. सुन लिया? यस सर. ओके, इसको इंटीग्रल मेरे को बस जनरेट करनी है, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी कम है. कैसे हेल्प कर सकते हो? e की पावर में ऐसा कोई फंक्शन सोचना है जो इंटीग्रेट हो पाए, तो e की पावर x तो हो सकता है एवरीवन. कम ऑन. यस. और e की पावर जीरो भी हो सकता है, एग्री करो? हाँ ना, है ना? तो दोनों की हेल्प से इनइक्वालिटी देखते हैं. जीरो टू वन में स्क्वायर करूंगा तो छोटा ही होता है, राइट एवरीवन? यस सर. और जीरो टू वन में एक्स स्क्वायर बड़ा होता है, जीरो बड़ा होता है एक्स स्क्वायर? Are all of you with me? Yes, sir. So therefore, e ki power is increasing function. All of you remember that. So increasing लेने से कोई power, कोई उल्टा नहीं होता है. Correct everyone? Yes, sir.
integral 0 to 1 e to the power x square is less than integral 0 to 1 e to the power x is less than integral 0 to 1 e to the power 0 dx. ये तो वन है, that is one हो गया. One is less than I is less than e to the power x 0 से 1. ये कितना beautiful, मतलब कुछ मिल रहा है रिसर्च करने के लिए, कितना काम की चीज है. ओके यस सर. चलो ये क्वेश्चन और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो करके लाना है होमवर्क की तरह. ये जेई में आया था 2018 या 17 में कुछ आया था. मैं बिलीव करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जेई में देने से पहले मैं ये क्वेश्चन हर साल बच्चों को देता हूँ, वो लकीली उसी ईयर आ गया सेम क्वेश्चन. बिलीव मी, आई एम सेइंग दैट. चलो ये करके लाना बच्चों, इंटीग्रेशन चैप्टर इज डन. ओके नेक्स्ट चैप्टर हम एरिया अंडर द कर्व करेंगे. बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए.